अध्यक्ष बने मोहम्मद दाऊद आलम, कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। केनगर प्रखंड मुख्यालय के सद्भावना सभागार में जदयू के युवा प्रखंड अध्यक्ष दाऊद आलम के मनोनयन पर जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें बधाई दिया। इस अवसर पर जदयू के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुनील मेहता एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि दाऊद आलम जैसे समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी ने सम्मान दिया है। जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध मेहता ने दाऊद आलम को युवा प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत होने पर बधाई देते हुए भरोसा जताया कि युवाओं को संगठन में जोड़कर संगठन को मजबूत करेंगे। वहीं दाऊद आलम ने सांसद संतोष कुशवाहा एवं बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह तथा जदयू के युवा जिला अध्यक्ष राजू मंडल को युवा प्रखंड अध्यक्ष बनाए जाने पर आभार प्रकट किया है। इस मौके पर जदयू के युवा जिला उपाध्यक्ष सौरभ कुमार महतो के साथ मोहम्मद इजहार फौजी, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद शफीक, राजेश कुमार, मोहम्मद सिंटू के साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, हमको तो पहली बार युवा अध्यक्ष के पद पे मनोनीत किया गया है राजू कुमार मंडल जी के द्वारा, और पार्टी के द्वारा जो भी हम पे भरोसा जताया गया है, सौंपी गई है जिम्मेवारी, हम ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को जो भी होगा, जहाँ तक हो युवा साथियों से जो भी अपेक्षा, जो भी मतलब जहाँ तक बन पाएगा, हम उस काम में सहयोग कर पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जितने भी यहाँ पे युवा साथी आए और बड़े बुजुर्ग गार्जियन के तौर पे जो भी हमारे यहाँ पे पहुँचे इस सद्भावना भवन में के नगर प्रखंड कार्यालय के अंदर, और बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और युवा के प्रदेश अध्यक्ष युवा जदयू के नीतीश पटेल जी को, और जिला अध्यक्ष जनता दल यू के राकेश कुमार सिंह, उसके बाद माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी को, उसके बाद धंधा विधायक का खाद आपूर्ति मंत्री माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी को, और राजू कुमार मंडल जी को, और जितने भी युवा साथी हैं, और यहाँ सुनील मेहता जी हैं, भगवान महतो जी गार्जन स्वरूप, उसके बाद बड़े भाई इजहार फौजी जी हैं, और जितने भी यहाँ पे आए हैं सफीक बड़े पापा हैं, जो भी यहाँ तक जो युवा साथी पहुँचे उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस पद पे जो मनोनीत किया गया, आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, जहाँ तक हो सके युवा साथियों को जो भी मदद हमसे बन पाएगा हम करने का हर संभव प्रयास करेंगे। पंचायत स्तर के युवा अध्यक्ष का भी चयन? जी जी जी, देखिए इसमें पंचायत अध्यक्ष का 17 पंचायत है, 17 पंचायत से एक एक साथी, वैसा मजबूत साथी हम लेंगे जो कि पंचायत को उसके पंचायत के अंदर उस जिम्मेवारी उनको दिया जाएगा, और वो पंचायत अध्यक्ष अच्छा सा जो कि सेलेक्ट करेंगे सबको सबके सहमति से, और जो प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यू के उदय शुक्ला जी हैं, उनसे भी दूरभाष के माध्यम, फ़ोन के माध्यम से वार्तालाप हुआ, बातचीत किए, उनका भी शुभकामनाएँ हैं, वो किसी कारण नहीं पहुंच पाए, वो अपनी शुभकामनाएँ दे दिए हैं, और उनका कहना है आप जो भी हो सके हम अगले कार्यक्रम में शामिल होंगे। और युवा जिस तरफ मुड़ा है, जमाना उस तरफ मुड़ा है, और युवा में वो ताकत है जो आंधियों के रुख को बदल देना जानती है, और युवा जोश और जुनून के साथ, जो जुनून होना चाहिए अगर उसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो और कुछ ताकत, कुछ क्षमता, संकल्पबद्ध हो, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जहां वो नहीं पहुंच सकते हैं। मेरा नाम दाऊद आलम, युवा जदयू प्रखंड अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो हमें बहुत बड़ा खुशी उपलब्ध हुआ। मैं तो अभी किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष के पद पर नहीं हूं, और पूर्व में किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मैं था। सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी, माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय विधायक श्री बीमा भारती जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ जिला अध्यक्ष हमारे राजू मंडल जी, राकेश सिंह जी,
वो दोनों को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमें जो चीज़ की ज़रूरत था के नगर में, जो साथियों की ज़रूरत था, वो साथी हमें आज प्राप्त हुआ है। और हमें ये उम्मीद और विश्वास भी है कि मेरा के नगर के हर एक टोला मोहल्ला तक, ये मेरा प्रखंड अध्यक्ष दाऊद जी ने टोला मोहल्ला तक पहुंचने का कार्य करेंगे। टोला मोहल्ला तक में जो भी शिकायतें मिलेगी इनको, वह शिकायतें को दूर करने का भी काम करेंगे। साथ साथ वहां से एक सदस्य मनोनीत करके वह पंचायत को सौंपेंगे। पंचायत वह कमेटी, एक पंचायत कमेटी बनाकर वह प्रखंड अध्यक्ष दाऊद जी को सौंपेंगे और वह मजबूती हमें बहुत जल्दी दिखाई देगा, 10 दिन के अंदर दिखाई देगा। मेरा के नगर में ऐसा जो है कि जुनून पैदा हो जाएगा कि जो कि अभी बुझा रहा है कि हम लोगों के पास कार्यकर्ता का अभाव है, लेकिन वो अभाव आज हमें दूर बुझा रहा है। आज हमें महसूस हो रहा है कि सारा कमियां, जो भी के नगर प्रखंडों में कमी था या जनताओं को कोई भी कोई कार्य लग जाता है, वो आता है कार्य कराने के लिए, पदाधिकारी लोग नहीं सुनता है, उसमें मेरा युवा साथी बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेंगे और वैसे व्यक्तियों को मदद करने का काम करेंगे, उसको विश्वास जताने का काम करेंगे, उसका काम कराने का कार्य करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय जनता दल यू, जय महागठबंधन। सुनील कुमार मेहता, पूर्व जिला अध्यक्ष। युवा का ही मिला गया है, युवा का, युवा में जोश है जो कि दिखावेगा जदयू का क्या क्या कर्तव्य बनता है, वह दिखावेगा ये। आप सीनियर है, गार्जियन? हाँ, गार्जियन हम हैं। तो गार्जियन के रूप में आपका अनुभव भी ज्यादा? हाँ, अनुभव भी ज्यादा, हम पंचायत अध्यक्ष भी रहे हर पद पर, तो वो अनुभव शेयर करेंगे, सेट करेंगे इनको, हम लाइन गार्ड लाइन देते रहेंगे कैसे करना है, इसमें देते रहेंगे कैसे युवा को लाना है, कैसे हर गाँव हर वार्ड में दो आठ व्यक्ति हो सके तो बढ़िया बात है, नहीं एक भी चलेगा, हर वार्ड से चुन कर लेंगे तो हम लोगों को मजबूती ज़्यादा बढ़ेगी। क्या परिचय है? भगवान महतो, क्या प्रखंड पंचायत अध्यक्ष जल्दी दाऊद जी, मेरे युवा का प्रखंड अध्यक्ष बने हुए हैं, जो कि 5 साल से बिछड़े हुए थे, आज तक 5 साल से कमेटी गठित नहीं हुआ था, जो कि ये आने वाले राजू कुमार मंडल जी जिला अध्यक्ष जो बने और उसमें ये चिन्हित किए गए कि कौन प्रखंड में काम कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं, इसमें इसी को मनोनीत किया गया है और ये इसके कदम से कदम मैं पंचायत से लेकर वार्ड तक चलूँगा और ये एकदम ये सिर्फ के नगर प्रखंड नहीं और धमधा का भी भार मुझे मिली है, मैंने सफलतापूर्वक उसका समय पूरा करूँगा। आपका अनुभव है, ये नए हैं क्या, उसमें कुछ आप इसको गाइडलाइन देते कि कैसे करना है? हाँ, मैंने इस पार्टी में मैंने 3 साल बिता चुका हूँ, मैंने कुछ बहुत बातें सीखे हुए भी हैं जो कि मैंने अपना अनुभव इसके साथ पूरी तरह शेयर करूँगा। क्या मेरा नाम सौरभ कुमार, धमधा विधानसभा जिला उपाध्यक्ष।